दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसे देखकर आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि इस दुनिया में माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं पैदा हो सकता है। वेल, कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जो भुखमरी और कड़ी मुसीबतों से जूझ रहा है। वहाँ पर खाने की कमी हो चुकी है, इसलिए सरकार ने अब ये फैसला किया है कि वो अब कुछ गिने चुने लोगों को ही अपने शहर में रखेगी और जो लोग बच जाएंगे वो उन्हें मार देगी। और ऐसे में वो पिछले 3 महीने से यही करती आ रही है। इसी बीच हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम है मिया और आदमी का नाम है जोनस। दोनों की 4 साल पहले शादी हुई है, लेकिन इन्होंने अपनी एक 2 साल की बेटी को खो दिया है, जिसकी वजह इनके शहर की गवर्नमेंट है, जिन्होंने स्कूल से आते ही बस को ही उड़ा दिया, जिसमें इनकी बेटी भी मारी गई। लेकिन ये दोनों नहीं चाहते कि इनके आने वाले बच्चे की भी साथ यही अंजाम हो। मिया अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पर है और किसी भी समय वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। इसीलिए जोनस ने एक एजेंट से बात करके दोनों के लिए दूसरे देश आयरलैंड जाने का इंतजाम कर लिया है, जिसके लिए इन्हें एक कंटेनर में बैठाया जाएगा जो कि शिप में रखकर ओशियन के रास्ते आयरलैंड चला जाएगा। दोनों ही कंटेनर में बैठे हैं, इनके साथ और भी लोग मौजूद हैं जो इलीगल तरीके से दूसरे देश में जा रहे हैं। कुछ देर बाद जोनस मियां से कहता है कि तुम्हें खुद और हमारे बच्चे का ख्याल रखना होगा और डरना तो बिल्कुल मत, क्योंकि कुछ ही देर की बात है ये कंटेनर शिप में चढ़ जाएगा, उसके बाद हम फ्री हैं क्योंकि आयरलैंड में कोई चेकिंग नहीं होगी। इसी उम्मीद में वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है कि ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। कुछ समय के बाद इनका कंटेनर अचानक से खुल जाता है और एक झटके में कई लोग अंदर आना शुरू हो जाते, जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। और इसी अफरा तफरी में जोनस मियां से अलग हो जाती है। जब तक वो बाहर जाती तब तक गेट बंद हो चुका था, लेकिन यहाँ वो फौरन उसे कॉल लगाती है तो जोनस उसे शांत रहने को बोलता है और बताता है कि कुछ देर में हम शिप में होंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और ये सुनकर मियां को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन इतनी भीड़ में उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी, लेकिन क्या करे, वो मजबूर है। इसके बाद ये लोग शहर के बीच से होते हुए पोर्ट पर जाने लगते हैं। कंटेनर में बने कुछ होल से बाहर देखते हैं तो उन्हें अपने खूबसूरत शहर की ऐसी हालत देखकर तरस आता है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है और इसमें बूढ़े और बच्चे भी शामिल हैं। खैर, अब ये लोग 2 घंटे के बाद पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है जो कि था चेकिंग। मियां बाहर देखती है तो वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे, जिसमें से एक बंदा आकर गेट को खोलता है, लेकिन तब तक ये सारे लोग उस कंटेनर के अंदर बने एक सीक्रेट पैसेज में छुप जाते हैं जो कि बाहर से दिख नहीं रहा था। लेकिन सीनियर ऑफिसर को कुछ शक होता है, इसलिए वो उस पूरी ट्रक को बड़े ही ध्यान से देखता है और उसे कुछ गड़बड़ दिखती है। वो एक गोली चलाता है जो जाकर पीछे लगती है, यानी कि इसके पीछे भी कुछ है। वो अंदर बैठे लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहीं छुपे हो, इसलिए बेहतर है कि सब लोग बाहर आ जाओ वरना मैं एक एक करके सभी को मार डालूंगा। कुछ देर हो जाती है लेकिन कोई बाहर नहीं आता, तो वो अपने आदमी से गोली चलाने को बोलता है और तभी एक लड़की बाहर आ जाती, लेकिन इतनी देर में मियां वहां रखे हुए एक बॉक्स पर चढ़ जाती है जो थोड़ी ऊंचाई पर था, जहां पर इन लोगों की नजर नहीं जाती। सीनियर ऑफिसर ऑर्डर देता है कि सबको मार दो, जिसके बाद वहां पर अंधाधुन गोलियां चलना शुरू हो जाती है। कुछ सेकंड तक बस गोलियों की खोखे गिरने की और लोगों की चीखों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। और वहीं मियां ऊपर अपने मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप लेटी रहती है। सबके मर जाने के बाद वो सबकी लाश को समुन्द्र में फेंक देते हैं और फिर गेट को बंद कर दिया जाता है। अब इस पूरे कंटेनर में अकेले मियां ही थी। वो सबसे पहले तो जोनस को एक वॉइस मैसेज भेजती है कि उन्होंने सभी को मार दिया, पर वो छुपी है, जिसके कुछ देर बाद उसके कंटेनर को कार्गो शिप पर लोड कर दिया जाता है जो आयरलैंड जाने वाला है। तब वो जोनस को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ बता रहा था। वो फिर से उसे वॉइस मैसेज सेंड कर दिया कि अब वो शिप पर लोड हो चुकी है, तुम कब आ रहे हो, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। यहाँ पर शायद उसे भी उन लोगों ने मार दिया होगा, क्योंकि चेकिंग तो सभी कंटेनर की हुई होगी, लेकिन क्या पता कोई चमत्कार हो जो जोनस को बचा ले। बस यही दुआ मियां के दिल से निकल रही थी। कुछ देर बाद जब शिप चलना शुरू हो जाता है तो मियां वहां पर पड़े हुए कुछ सामानों को चेक करती है, जिसमें उसे एक टॉर्च मिलती है जिसे वो जला लेती है और खुद के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल लेती है और सोने की कोशिश करती है। अब यहाँ से उसका सफर बहुत लंबा होने वाला है। अब आधी रात को मियां की जब आँख खुलती है तो वो उस होल से बाहर देखती है। उसे पता चलता है कि उसका शिप तो भारी तूफान में फंस चुका है और धीरे धीरे वो तूफान इतना बढ़ जाता जिससे कि उसे डर सताने लग गया था। वो देखती है कि एक एक करके उस पे सारे कंटेनर गिरना शुरू हो जाते हैं और इन सब में उसका भी कंटेनर होता है। और जैसे ही वो कंटेनर पानी में गिरता है उसे एक तेज का झटका लगता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है तो वो अपने चारों ओर देखती है। कंटेनर में पानी भर चुका था और सारे खून बह रहा था। फिर वो होल के बाहर देखती है तो उसका कंटेनर समुन्दर के बीचों बीच तैर रहा था, जो कि बहुत ही डरावना था।
क्योंकि ऐसे में वो कैसे खुद को जिंदा रख पाएगी। और इसी बीच वो सबसे पहले तो जोनस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कि उसका फोन टूट चुका था। लेकिन वो अपने दूसरे फोन से ट्राई करती है, पर वो अभी भी कॉल नहीं उठा रहा था। और तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की चीखने की आवाज़ आती है। वो होल से बाहर देखती है तो वहाँ उसे वही ग्रीन वाला कंटेनर दिखाई देता है जिसमें उसे जोनस को जाते हुए देखा था। लेकिन इसी समय वो पानी में डूब रहा है। वो उसे फिर से कॉल लगाती है पर कोई फायदा नहीं होता, और देखते ही देखते वो कंटेनर उसकी आंखों के सामने ही डूब जाता है। और खुद के सामने जोनस को ऐसे मरता हुआ देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब वो अकेली पड़ गई और जो एक उम्मीद बची थी जो उसे जिंदा रख रही थी, लेकिन अब वो भी जा चुकी है। इसलिए एक बारी तो वो खुद की जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके अंदर एक दूसरी जान भी पल रही है और उसे जोनस को दिया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। वो चाकू को फेंक देती है और ऐसे ही बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। जब वो दोबारा उठती है तो देखती है कि वो अपनी जगह से आगे सरक कर आ गई है और उसके ऊपर एक कंटेनर लटक रहा है। दरअसल अब यहाँ पर पानी भर चुका था, इसलिए कंटेनर एक तरफ झुकता जा रहा था। अगर ऐसे ही पानी भरता रहा तो वो डूब जाएगी। वो सारी कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कुछ ही देर बाद पूरे कंटेनर में पानी भर जाता है और उसका वहीं दम घुटना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। रुकिए जरा, तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि ये बस उसका एक सपना था। जब वो उठती है तो देखती है कि अब असलियत में भी पानी भरना शुरू हो गया है, और वो तरकीब लगाती है कि एक होल से पानी को बाहर करती है, जिसके बाद वो कुछ टेप्स को उन होल को बंद करती है जिसमें से पानी अंदर आ रहा था। लेने से कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद वो उन कंटेनर्स को खोलना शुरू करती है, क्या पता उसके अंदर उसे कुछ मतलब का सामान मिल जाए, पर उसमें कोई खास सामान नहीं था। अब किसी में उसे टिफिन बॉक्स मिलता है तो किसी में ईयरबड्स, किसी में वाइन्स की बोतल जो कि शायद आगे जाकर उसके किसी काम में आ सके। अब पहला काम, वो अपने फोन को टिफिन बॉक्स में रख देती है ताकि वो गीला ना हो। उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब वो उसे पिक करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि जोनस होता है, जी हाँ, जिसकी आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश होती है कि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे बताता है कि उसके ड्राइवर ने उन्हें कहीं सिटी के बाहर लाकर छोड़ दिया है, पर जब वो मियाँ की हालत के बारे में सुनता है तो हैरान रह जाता है। पर वो उसे दिलासा देता और हिम्मत रखने को बोलता है कि तुम्हें खुद को जिंदा रखना होगा, मैं तुम्हें ज़रूर बचाने के लिए आऊँगा। उसकी आवाज़ सुनकर मियाँ को थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। कुछ देर बाद अब मियाँ का लेबर पेन भी शुरू हो गया था और तेज़ तेज़ बिजलियाँ कड़कने लगती है। थोड़ी देर बाद कंटेनर दोनों ओर से हिलना शुरू हो जाता है और इसी में मियाँ को लेबर पेन भी शुरू हो चुका था। बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी करके खुद को रोक ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसी तूफान में वो एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो नोहा रखती है। लेकिन यहाँ नोहा को कोई दिक्कत ना हो इस पानी में, इसलिए वो उसे लेकर वहीं रखे एक बड़े से बॉक्स में बैठ जाती है, उसका ख्याल रखती है। पर अब उसका खाना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ऐसे में जितना भी बचा हुआ खाना पानी है उसे कम खाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसे अपनी बेटी को भी कुछ खिलाना है। अब यहाँ वो बार बार निक को भी फ़ोन करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। अब अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि उसकी बेटी रोई जा रही, क्योंकि उसे भूख लगी थी। वो उसी समय अपना दूध उसे पिलाती है जिससे वो थोड़ा शांत हो जाए। पर इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस कंटेनर के ऊपर जाया जाए, क्या पता वहाँ से उसे कोई देख ले, कोई शिप जो कोई उसके आस पास गुजर रहा हो। लेकिन इसके लिए उसे पहले तो कंटेनर को ऊपर से काटना होगा। तो उन बॉक्सेस में से वो कोई ऐसी चीज़ को ढूंढने लगती है जिससे वो कंटेनर को काट सके, और उसे वहाँ एक ड्रिल मशीन मिलती है। लेकिन ऐसा करने में बहुत टाइम लगेगा और साथ में मेहनत भी, क्योंकि कंटेनर का स्टील बहुत ही मजबूत है और वो ड्रिल मशीन किसी पतली चीज़ को ड्रिल करने के लिए बनी थी। पर यह मियाँ हार नहीं मानती और लगी रहती है उसे काटने में। बीच बीच में उसे अपनी बेटी के विजन भी आते हैं जो कि मर चुकी थी, और उसके विजन में निक भी आता है जो उसे हौसला देता है कि तुम्हें खुद को ज़िंदा रखना है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, उसके पास तो अब खाना भी नहीं बचा है। तभी मियाँ के दिमाग में आता है कि उसने बर्थ के टाइम अपना फ्लैश फेंका नहीं था। वो उसे ढूंढती और फिर उसे ही खाना शुरू कर देती है, और ये सीन देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसे ये खाना ही पड़ता है क्योंकि कोई चारा नहीं अभी उसके पास। आगे हम देख पाते हैं कि उसके पास अब पानी भी ख़त्म हो चुका है और वो बारिश के पानी को पीने की कोशिश करती है। धीरे धीरे करके वो जैसे तैसे कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काट लेती है और फिर ऊपर आती है। जब वो चारों ओर देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही समुंदर के बीच में थी। पर उसे यहाँ सूरज की रोशनी भी मिलती है, इसलिए वो नोहा को फौरन ऊपर लेके आती है और उसे भी रोशनी दिखाती है। पर उसे एक बात का ध्यान रखना होगा, ये ऊपर आने का जो रास्ता उसने बनाया है वो उसके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि अगर तेज़ बारिश हुई तो सारा पानी अंदर आने लगेगा और ऐसे में वो क्या करेगी। खैर, अब वो जब ऊपर आती है तो पानी में तैर रही मछलियों को भी देखती है जो उसके लिए उसे खाने का काम कर सकती है।
वो उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करना शुरू कर देती है, लेकिन शुरुआत में तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता। उसी बीच उसे आसमान में एक प्लेन भी दिखाई देता है, जिसके सिग्नल देने के लिए वो नीचे टीवी पर लगे ग्लास को तोड़कर ऊपर फौरन लाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है और इससे वो चीख पड़ती है, और इतने में वो प्लेन भी वहां से निकल जाता है। हम देख पाते हैं कि वो जख्म बहुत ही बड़ा था। वो नीचे जाकर अपने उस जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है। पहले तो वो उसके ऊपर वाइन डालती है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद अपने स्किन को एक धागे से सिल लेती है जिससे कि खून रुक जाए। अब ये जितना बताने में आसान लग रहा था उतना देखने में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसे ये करना ही पड़ेगा। तभी उसकी नज़र उन ईयरबर्ड्स पर पड़ती है जिनके वायर से वो मछली पकड़ने का जाल बना सकती है, और वो पूरी कोशिश में लग जाती है। कुछ समय के बाद वो जाल बन भी जाता है और इस बार ये तरकीब काम आ जाती है। वो ऐसे ही हर एक दिन एक मछली पकड़ती है और उसे ज़िंदा ही खाना शुरू कर देती है। अगर उसे प्यास लगती है तो वो बारिश के जमा हुए पानी को पी लेती है, और उधर उसकी बच्ची जो दूध पीकर शांत थी। लेकिन इन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसके कंटेनर में अब धीरे धीरे पानी भरता जा रहा था। वो अपने पानी को रोज़ निकाल तो रही थी, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हर रोज़ करते करते वो एक दिन मायूस हो जाती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। ऐसा वो कब तक करती रहेगी? ये समुंदर तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कोई उसे बचाने आएगा, या फिर वो अपनी बेटी के साथ यही समुंदर में दफन हो जाएगी? अब ये सारी परेशानी को देखते हुए, लेकिन जब उसकी बेटी की मुस्कान उसे दिखती है तो उसे एक उम्मीद दे रही थी, और उसे हौसला मिलता है कि उसे खुद को अपनी बेटी के लिए जिंदा रखना है। जब भी वो ऐसे खुद से निराश हो जाया करती थी तो वो नोहा से बातें करना शुरू कर देती थी। लेकिन एक दिन ऐसी रात में जब वो सो रही होती है तो उसके टूटे हुए फोन में जोनस का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसे गोली लग गई है और बहुत खून बह गया है। वो उसे माफ़ी मांगता है कि अब वो उसे बचाने नहीं आ पाएगा, और ये सुनकर मीरा और टूट जाती है और बहुत निराश हो जाती है। लेकिन वो जोनस के आखिरी समय पर उसकी बात नोहा से कराती है। उसकी आवाज़ सुनाती है, मियाँ के लिए समय बहुत ही कठिन था, उसके सामने सारी उम्मीदें अब टूटती जा रही थी, अब वो क्या करेगी। और एक जोनस ही उसकी उम्मीद था, लेकिन अब वो भी टूट गया। तब वो सोचती है कि उसे एक राफ बनानी चाहिए जिसकी मदद से वो क्या पता किसी आइलैंड या फिर किसी बीच तक पहुँच जाए। इसलिए वो उन टिफिन बॉक्सेस को समुंदर में फेंकना शुरू करती है, जिसके बाद वो एक लकड़ी के फट्टे को एक राफ का रूप देने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें उसे बहुत समय लगेगा। वो हर रोज वही काम करती है जो पिछले 24 दिनों से करती आ रही है, और एक दिन उसकी राफ तैयार हो जाती है, लेकिन वो अभी तक बस नोहा के लिए बनी थी, उसने खुद के लिए अभी बनाना शुरू ही नहीं करी थी। तभी उसकी नज़र नीचे कंटेनर पर पड़ती है जिसमें पानी भरना शुरू हो गया। वो फौरन नीचे जाकर सारे सामानों को ऊपर लाने लगती है, लेकिन इसी बीच उसका पैर नीचे कुछ चीज़ों में फंस जाता है और वो वहीं अटक जाती है। ऊपर नोहा कंटेनर से दूर समुंदर में जाती जा रही थी, क्योंकि ये कंटेनर अब समुंदर में डूब गया था। इधर मियाँ बहुत कोशिश करती है कि वो अपने पैर को छुड़ा ले, और आखिर में जब उसकी जान जाने ही वाली होती है तब वो उसका पैर बाहर निकलता है। फौरन अपनी बेटी के पास जाती है और वैसे ही पानी में तैरते तैरते सुबह हो जाती है। तब वो अपनी बेटी से कहती है कि हम एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन तुमने मुझे एक जीने की उम्मीद दी, तुमने मुझे साहस दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों वो कहते हैं कि आप कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारो, सब्र का फल ऊपर वाला आपको ज़रूर देगा। तो यहाँ पे मियाँ के साथ यही हुआ था। दूर एक मछुआरे की बोट जा रही होती है जो नोहा की राफ को देख लेती है। वो फौरन उसके पास जाते हैं और वहाँ उन्हें एक बच्ची दिखती है जिसे वो बोट पर लाते हैं, पर उस राफ से एक रस्सी बंधी थी। जब वो मछुआरे उस रस्सी को खींचते हैं जो मियाँ उन्हें पानी के अंदर मिलती है, जो समुंदर में डूब चुकी थी, वो फौरन उसे ऊपर खींच कर लाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि मियाँ मर गई, लेकिन तभी अचानक से उसे होश आता है। होश आते ही सबसे पहले वो अपनी बच्ची के बारे में पूछती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। जब वो उस मछुआरे से पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो वो उसे बताती है कि इस समय हम आइलैंड शहर में हैं। और ये सुनकर मियाँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने और उसकी बेटी ने कर दिखाया, जिसके साथ ये कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, एक माँ ही है जो दुनिया की हर परेशानी से लड़ सकती है, और अपने बच्चों के लिए। ये कहानी आपको ये सिखा देती है। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।